हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्पेन एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, मापन और इकाइयाँ। उससे संबंधित मैंने जितना ही पॉइंट्स बनना चाहिए था उस चैप्टर से, वो सारा का सारा मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है चाल एवं दूरी से है, ठीक है। चाल एवं दूरी से जितने भी प्रश्न बनेंगे, मैंने इसमें लगभग 55 प्रश्न को इंक्लूड किया है। ये सारा का सारा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेलवे के एग्जामिनेशन में खास करके यहाँ से इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। अब देखिए, आने वाले समय में हम ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बल और इसके नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति और ध्वनि, ठीक है। चूँकि ये सारा का सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हमारा सेकेंड चैप्टर है चाल एवं दूरी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु किस में कही जाती है, किस में, गति में कही जाती है। आपसे यदि मोशन का कभी कोई परिभाषा पूछता है, ठीक है, देखिए यहाँ सबका थ्योरी भी कंप्लीट होता चलेगा, ठीक है। चलिए, मोशन का परिभाषा यदि पूछता है तो आप मोशन कब कहेंगे। देखिए, मोशन जो होता है, मान लेते हैं मोशन एक प्रकार का सापेक्षिक गति है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है किस में है, गति में है। तो वही क्वेश्चन पहला कहा गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु किस में कही जाती है, तो गति में कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, कुछ इस तरीके से चल करके आता है बी वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया और बी वाले पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो ये जो पथ की कुल लंबाई है, ये जो ट्रेवल किया जा रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो ये पथ की कुल लंबाई हमारा क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लेकिन अगर हम वही पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस की बात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो न्यूनतम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वस्तु, ठीक है, ये वस्तु पॉइंट ए से चल करके बी तक गया, ठीक है, तो ये इसके द्वारा तय की गई जो विस्थापन है वह धनात्मक हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक रिवर्स आ गया सेम पॉइंट पर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा, शून्य जाएगा। और अगर पीछे की ओर जाता है तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब है कि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है और शून्य भी जा सकता है। तो वही प्रश्न अगला है कि विस्थापन का मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला है, मूल बिंदु के बाईं ओर जाने पर विस्थापन का मान क्या होगा। मैंने अब जस्ट बताया, जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका कोई चतुर्थांश है और यह आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, तो इससे बाईं तरफ जाने पर जो विस्थापन होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, और दाईं तरफ जाने पर जो उसका विस्थापन है यह क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर मान लीजिए चल करके पुनः इसी पॉइंट पर आ गया तो विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा, शून्य जाएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु के बाईं ओर जाने पर जो होता है विस्थापन, उसका वैल्यू क्या जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। मूल बिंदु के दाईं तरफ जाने पर पॉजिटिव जाएगा। और याद रखिएगा, कभी भी अगर पूछ ले कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होता है वो आपका ओरिजिन से मापी जाती है, यानी कि मूल बिंदु से मापी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, बल, वेग, विस्थापन और त्वरण किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि सदिश राशि आखिर कहाँ किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, सदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर है तो
तो उस राशि को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। और यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि वेग किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो बोलिएगा सदिश राशि। बल किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। त्वरण किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो सदिश राशि होता है उसमें व वर्ण का यूज होता ही होता है, मैक्सिमम। आप अगर मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, सभी नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो सदिश राशि होता है उसमें व वर्ण का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नहीं पता है और अगर तुक्का मारना चाहते हैं, अगर उसमें व वर्ण है, ठीक है, तो आप वहाँ पर उसको सदिश राशि में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी सदिश राशि है ना, तो उसके पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, कोई भी अगर मान लेते हैं सदिश राशि है, तो उसको पहचानने का एक तरीका होता है। मान लीजिए कि एक्स एक सदिश राशि है, तो अगर इसके आप ऊपर एरो का साइन है, तो आप समझ जाइएगा कि ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। क्योंकि सदिश राशि के पहचान के लिए ही उसके ऊपर में एरो का साइन दिया जाता है। छठा नंबर प्रश्न वही कह रहा है कि सदिश राशि के पहचान के लिए अक्षर के ऊपर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जिसमें दिशा होता है, ठीक है, और प्लस में परिमाण होता है, तो दिशा और परिमाण यदि दोनों हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। ठीक है, अब अगर जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, तो जिसमें दिशा नहीं होता है सिर्फ परिमाण होता है, तो उस प्रकार की राशि को हम बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलेंगे, अदिश राशि। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जिस राशि में दिशा नहीं हो सिर्फ परिमाण का ज्ञात हो, ठीक है, तो उसे हम अदिश राशि बोलेंगे, और जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हमें मिलता हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलिए आठवां नंबर प्रश्न है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, मैंने तुरंत बताया सदिश राशि। अब बात करते हैं चाल का। चाल क्या होता है, चाल कहने का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी एकांक समय, इकाई समय की बात करेगा तो उसको आप हर मानेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एकांक समय यानी समय को हर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एकांक समय में क्या किया गया है, दूरी तय की गई है, तो जो दूरी तय की गई है उसको आप किस में रखेंगे, अंश में रखेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी दूरी तय करेगा, तो दूरी जो तय करेगा तो उसको मापा किस में जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, और समय को किस में मापा जाता है, यानी समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हो सकता है कि ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ भी मिले, किस तरीके से, एम एस इनवर्स वन, ये भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है और ये भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो चाल का ऐसा ही मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो देखिए ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग का जो ट्रेवल होता है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी अनुदैर्घ्य तरंग होती है उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्पीड होता है। तो यहाँ पर ध्वनि की सिंपली चाल की बात की गई है, तो यहाँ पर कहा गया है कितना हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर का। ध्वनि जो है निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो इस्पात में होती है या फिर ठोस में होती है। देखिए, जिस भी पदार्थ का डेंसिटी जितना मैक्सिमम होगा, ठीक है, कोई पदार्थ है उसका डेंसिटी जितना अधिक होगा उसमें जो आपका साउंड का स्पीड है वो उतना मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है साउंड का वो आपका सॉलिड पदार्थ में होता है, जो आपका ठोस होता है उसमें, उसके बाद जो स्पीड होगा वो किस में होगा, लिक्विड में, और उस सबसे कम होता है गैस वाले में, और नहीं होगा किस में, वैक्यूम में। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, तो मैंने अभी तुरंत बताया, जो ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। देखिए, आपसे दो चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, एक तो आपके साउंड के बारे में पूछा जाएगा कि साउंड किस प्रकार का तरंग है, ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा आपसे लाइट के बारे में कि लाइट किस प्रकार का तरंग है।
तो याद रखिएगा, साउंड जो है वह आपका क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। किस प्रकार का तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। और अगर लाइट का पूछता है तो ये याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग है, दोनों याद रखिएगा। अगला है दूरी का मान हमेशा क्या होता है, तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक ही जाएगा, ठीक है। दूरी का वैल्यू जो होता है हमेशा धनात्मक जाएगा। अगला है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आपसे पूछता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है वी माइनस यू अपॉन टी जाता है। यहाँ पर जो वी है अंतिम वेग है और वी जो है यू जो है आपका स्टार्टिंग वेग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आपको यह कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। आगे है, यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण का मान कैसा होगा, यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण का मान पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वरण का मान शून्य कब होगा, तो देखिए त्वरण का मान शून्य जब तब होता है जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वह किसी भी वेग से जा रही है, किसी भी वेग से जा रही है और उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो जाएगा वह शून्य जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है अभी जब स्टार्ट किया तो वह मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रही है, के वेग से जा रही है, ठीक है, और चलते चलते अंतिम जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसका जो वेग हो गया वो मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकंड था और लास्ट में 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो क्या अंतर आ गया, 10 माइनस 5, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में जाता है तो जो भी टाइम लगा उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जब चेंजिंग होगा तब एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, यानी कि ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही से इसका फॉर्मूला निकलता है। जब तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर कहा कि त्वरण का मान शून्य कब होता है, तो त्वरण का मान शून्य तब होगा जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, एक समान चाल से गति कर रही वस्तु की दूरी समय ग्राफ कैसी होगी, तो भाई एक समान चाल से चल रही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा, एकदम सरल रेखा होगा। ये तो अपने दैनिक जीवन में भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई समान गति से चल रहा है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वह क्या होगा, एकदम सरल रेखा होगा। अगला है, गति का पहला समीकरण क्या है। अब देखिए गति के समीकरण से रेलवे के एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दिए हुईगा या आपने सेट बनाया होगा तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको गति के समीकरण से मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, नाम कुछ नहीं है, बस नाम इसी प्रकार है, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। गति के पहले समीकरण की बात करें तो गति का पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ v का, तो v क्या है, अंतिम पॉइंट है, यानी अंतिम वेग है कह लें, ठीक है। u क्या है, शुरुआती वेग है, ठीक है, शुरुआती वेग है। a क्या है आपका, a आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है, त्वरण। और t क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा, ठीक है। v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, v अंतिम वेग, u शुरुआत का वेग, a त्वरण और t समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये समीकरण आया कहाँ से, तो मैंने अभी बताया था a इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, यही ने बताया था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए t को आप इधर ले जाते हैं बराबर के इधर, तो ये क्या जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, यही होगा ना। अब अगर मान लीजिए कि वी को इधर यू को इधर लाते हैं तो यू जो है वो माइनस में है, तो यू इधर आएगा तो इधर सिर्फ वी बचेगा, यानी कि ए टी और वी यू इधर आ जाएगा तो प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, तो देखिए आ गया ना, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उल्टा करके भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये पहला समीकरण है गति का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति के पहले समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको वेग समय समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है वेग समय समीकरण? देखिए, गति का जो कुछ पहला समीकरण है, वी इज इक्वल्स टू क्या है, यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए, वी यानी कि वेग और यहाँ अंतिम में क्या है, समय। तो वेग और समय के बीच के रिलेशन को यह दर्शाता है। गति का जो पहला समीकरण है वह किसके किसके बीच का रिलेशन दर्शाता है, वेग और समय के बीच का रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए इसको वेग समय समीकरण कहा जाता है। आपसे ऐसा भी पूछ लेगा कि गति का जो पहला समीकरण है उसमें किसके किसके बीच संबंध दर्शाया गया है, तो वेग और समय के बीच। या पूछ लेगा गति के पहले समीकरण में समय और किसके बीच, तो वेग के बीच संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण क्या है। तो गति का दूसरा समीकरण है टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर एस क्या है आपका, एस आपका क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन गति के समीकरण में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यू क्या हो जाएगा, मैंने तुरंत बताया था, यू क्या हो जाएगा आपका शुरुआत का वेग हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और टी क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप उल्टा पुल्टा मत करिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। गति का जो दूसरा समीकरण है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दिखाता है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था, क्या है गति का दूसरा समीकरण, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने जस्ट बताया कि ये देखिए आप, किसका है, विस्थापन, और ये क्या है, समय है। तो विस्थापन और समय के बीच की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, विस्थापन और समय। कभी कभी विस्थापन के जगह पर आपको स्थिति दे देगा, अच्छा स्थिति दे ही गया है, स्थिति और विस्थापन नहीं, स्थिति और समय, ठीक है, स्थिति और समय, क्योंकि स्थिति और विस्थापन को यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना, स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो एक तो आपका समय, ठीक है, और किसके बीच, विस्थापन के बीच, ठीक है। मैंने कहा अभी तुरंत कि विस्थापन को कभी कभी स्थिति से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यह भी याद रखिएगा, या तो समय विस्थापन कहलेगा या तो आपका समय स्थिति कहलेगा। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम समीकरण समय और किसके बीच संबंध बताता है। तो बताइए गति का पहला समीकरण क्या है, याद कीजिए। अभी मैंने तुरंत बताया, गति का जो पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू क्या था, u प्लस ए टी था, ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो समय और किसके बीच, वेग के बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच। अगला है, वेग समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो यही है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देख लीजिए, आपको वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो गति का पहला समीकरण, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, गति का पहला समीकरण। अगला है, स्थिति समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो स्थिति समय समीकरण, अब देखिए स्थिति समय जो है समीकरण में कौन सा आ रहा था, तो कौन सा आ रहा था, याद है आपको, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, स्थिति ये है, समय ये है। तो स्थिति और समय के बीच जो संबंध दर्शा रहा है वो कौन सा, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आते हैं तीसरे समीकरण के ऊपर, गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, गति के तृतीय समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या है, वेग है और स्थिति है, तो वेग और स्थिति समीकरण कहेंगे, या मैंने तुरंत बताया था कि स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वेग और विस्थापन समीकरण कहा जाता है। फिर कह रहा है कि गति का तृतीय समीकरण वेग और किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो वेग और किसके बीच, विस्थापन के बीच समय दर्शा रहा है। तो देख रहे हैं ना, एक आप अगर ये याद कर लेते हैं समीकरण, तो आपके तीन से चार क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, बस ये एक समीकरण याद करने के वजह से। तो समीकरण इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखिए ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाता है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर लगाता है, यह वृत्तीय पथ पर लगाता है, इसीलिए उसमें वृत्तीय गति पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे है, बंदूक से छोड़ी गई गोली
में किस गति का उदाहरण है। तो देखिए, बंदूक से अगर कोई गोली छोड़ी जाती है तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसीलिए इसमें रेखीय गति पाई जाएगी। दीवार घड़ी की पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे, किसी वस्तु की दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो दूरी जो होती है वह मूल बिंदु से मापी जाती है, यानी ओरिजिन पॉइंट से मापी जाती है। आगे है, वेग विस्थापन समीकरण किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वेग और विस्थापन के बीच कौन से समीकरण का उदाहरण है, तो तृतीय समीकरण का। ठीक है, गति का जो तृतीय नियम है वो उसे ही कहा जाता है वेग विस्थापन समीकरण। ठीक है, तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया, रिकॉल कीजिए और उसके हिसाब से आप बैठाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, समय विस्थापन समीकरण किसे कहते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण को समय विस्थापन समीकरण कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, मैंने अभी तुरंत बताया था। किसी खास समय में चली गई पथ, यहाँ पर पति नहीं है, पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, तो किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, और न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। अगला है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोई भी डिस्टेंस मापा जाता है तो एसआई यूनिट में ही मापा जाता है, यानी एसआई यूनिट दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दूरी सदिश नहीं है, अदिश राशि है। अगला देखते हैं, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, क्योंकि न्यूनतम पथ की लंबाई को ही ट्रैवल करता है विस्थापन, इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल किस प्रकार की राशि, अदिश राशि। ठीक है, और किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग कहा जाता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, किसका व्यंजक है, यह है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। स्टार्टिंग में ही मैंने पता है ये एक्सेलरेशन का है, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, तब त्वरण का मान क्या होगा, जब समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक होगा, ऑब्वियसली बात है, घट रहा है मतलब ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपको देना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, अगर वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है तब हम कह सकते हैं कि पिंड का जो वेग है वह समरूप जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में क्या होता है। तो अगर शून्य में जो अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो समान होगा, समान त्वरण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, इसको तो याद कर ही लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एक कॉपी में नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि रेलवे में अगर इससे कोई क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम तय की गई दूरी समानुपात होती है। ठीक है, तो किसके समानुपात होती है, तो गिरने के समय के वर्ग का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके, तो गिरने के समय के वर्ग के। आगे है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होगा, तब जो होगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ठीक है, जब भी है ना, क्या कह रहा है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण, समान त्वरण आया मतलब वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर पलायन वेग का मान कितना होता है। देखिए, पलायन वेग कहने का मतलब होता है वह वेग जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकें तो वह पृथ्वी की धरातल पर फिर लौट के नहीं आएगा, वह पृथ्वी की कक्षा में क्या होगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, यानी पृथ्वी पर वो लौट के फिर से नहीं आएगा, तो उस प्रकार के वेग को पलायन वेग कहते हैं। हालांकि जितने भी पिंड हैं सभी पिंड का अपना अलग अलग पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा। अगला है, यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समांतर हो तो गति क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर और वेग चर होता है। ठीक है, तो मैंने 55 प्रश्न इसमें से करवाए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों
आपने इसमें जितना भी मैंने सारा क्वेश्चन बताया है सबको अच्छे से किया होगा। ठीक है, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल T10 स्टडी से जुड़ जाइए। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है वहाँ। ठीक है, एकदम फ्री में आपको सारा का सारा PDF अवेलेबल होगा। या तो आप इस PDF का प्रिंट करा के याद कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए चैप्टर वाइज और इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाले समय में आएगा। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।